वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहता है ना? तुम्हारे पास क्या शुरू हो चुकी है सलार की शूटिंग? प्रभास इस फिल्म में किस एक्टर से भिड़ेंगे और उनके अपोजिट कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस नजर आने वाली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जोयाल। साउथ की सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आने वाली है सलार, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। इससे पहले वो राधे श्याम का जो शूट है वो कम्प्लीट कर चुके हैं और अब वो सलार में नज़र आने वाले हैं। बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत बड़े बजट की ये फिल्म है और KGF चैप्टर 2 के जो निर्देशक है प्रशांत नील, वो इस फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में फिल्म की शूटिंग शुरू की। एक मुहूर्त रखा गया हैदराबाद में जहां से ये सब शुरू किया गया, इसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है दोस्तों। इस फिल्म के मुहूर्त में KGF स्टार यश ने भी धांसू अंदाज में एंट्री की थी और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब फिल्म को लेकर सामने आई खबर सबके लिए एक खुशखबरी बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में आपको मास्टर फेम स्टार विजय सेतुपति की एंट्री देखने को मिलेगी। फिल्मी गलियारों की माने तो मास्टर के धांसू रिस्पॉन्स के बाद अब सलार के निर्माताओं ने विजय सेतुपति को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अप्रोच किया है। कहा जा रहा है कि विजय सेतुपति को मेकर्स ने नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया है, जिसमें वो सुपरस्टार प्रभास से सीधा टक्कर लेंगे। दावा किया गया है कि विजय सेतुपति भी इस किरदार को लेकर खास एक्साइटेड हैं। वो इस फिल्म के लिए डेट्स भी अलॉट कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रभास स्टारर इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 45 दिन में पूरी की जाएगी। फिल्म की शूटिंग प्लेसेस की बात करें तो हैदराबाद और बेंगलुरु में ज़्यादातर इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। विजय सेतुपति को अपने हिस्से की शूटिंग के लिए महज 1 महीने की डेट देनी है और वो फाइनलाइज कर देंगे और जल्द ही इस बात की अनाउंसमेंट वो खुद करेंगे। हालांकि अभी इस खबर के लिए निर्माताओं की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मगर फिर भी विजय सेतुपति की इस फिल्म में एंट्री तय मानी जा रही है। वहीं प्रभास के अपोजिट एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नज़र आने वाली हैं और वो है कटरीना कैफ। तो कटरीना कैफ के फैंस तो बड़े खुश हो गए होंगे इस खबर से, और पहली बार ऐसा होगा जब प्रभास और कटरीना स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सलार जो फिल्म है वो मल्टी लैंग्वेज फिल्म होने वाली है, यानी कि पैन इंडिया फिल्म होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु के अलावा सारी भाषाओं में इसे रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा जब प्रशांत नील से पूछा गया कि सलार मतलब होता है, तो उन्होंने कहा कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर इन चीफ के रोल में नज़र आएंगे प्रभास। और उनका एक पोस्टर भी शेयर किया गया था जिसमें कि धांसू लुक में नज़र आ रहे थे, उन्होंने हाथ में बंदूक भी पकड़ी हुई थी। तो काफ़ी अमेजिंग ये फिल्म होने वाली है। साउथ के दो बड़े स्टार्स यानी कि प्रभास और डायरेक्टर भी धांसू होने वाले हैं प्रशांत नील, जो कि KGF जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो आपको कितना इंतज़ार है प्रभास की सलार का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।